हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइफ में। जैसे कि आप सबको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइफ का पावर ग्रिड का महामैराथन चल रहा था। महामैराथन में अभी हम लोग लेकर आ गए हैं जो है कि नॉन टेक है, जो कि करंट अफेयर है। करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो स्टैटिक जीके होगा, उसके बाद जो हिस्ट्री होगा। तो इसी तरह से महामैराथन नॉन टेक में जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो नॉन टेक का तैयारी बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, खेल संगठन के प्रमुख के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे देखिएगा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का कौन है? तो ग्रेग वार्कले न्यूयॉर्क का, न्यूजीलैंड का है। ग्रेग वार्कले कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, आईसीसी का जो सीईओ कौन है? तो जियोफ एलार्डिस है, जो कि सीईओ है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी का कौन है? तो इंदिरा नुई है। इंदिरा नुई जो है कि प्रथम महिला निदेशक है जो आईसीसी का है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष एशिया क्रिकेट का अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह जो है कि अध्यक्ष एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आईसीओ का अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक है। थॉमस बाक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी के हैं। यहाँ पे देखिएगा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का कौन है? तो सेबास्टियन को ब्रिटेन को है, सेबास्टियन को ब्रिटेन को है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भार उत्तोलक का कौन है? IWF का मोहम्मद जलूद है जो भार उत्तोलक का है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। आगे चलते हैं कि एथलीट्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल का कौन है? BCCI का तो विनीत सरन है। यहाँ पे एथलेटिक्स का अध्यक्ष फीफा का कौन है? तो जियानी एफेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड का है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का AIBA का कौन है? तो लवलीना बोरगोन है। कहाँ? AIBA का। आगे चलते हैं, ये नया है, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का कौन बने हैं? तो रोजर बिनी कौन है? 36वां बने हैं। अध्यक्ष BCCI चयन समिति के कौन है? तो अजीत अगरकर हैं। अजीत अगरकर किसका है? BCCI से चयनित है जो नया बने। आगे चलते हैं कि मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। आगे चलते हैं, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कौन है? तो ऋषिकेश कटनीकर है। ऋषिकेश कटनीकर है महिला क्रिकेट टीम का। आगे चलते हैं कि महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का कौन है? तो नीलम कपूर है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फंड रेस का WFI का है? तो बृजभूषण शरण सिंह है इसका जो कि अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ का कौन है? तो मेघना अहलवत हलवात है। कौन है? टेबल टेनिस का मेघना अहलवात है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। आगे चलते हैं, अध्यक्ष वॉलीबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया कौन है? तो अच्युत सामंत है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ IAAF का कौन है? तो संजय कपूर है। आगे चलते हैं, हॉकी इंडिया का कौन है? तो दिलीप टर्की है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का AFI का कौन है? तो अदिल सुमरीवाल है अध्यक्ष। आगे चलते हैं, भारतीय मुक्केबाजी संघ का BFI का कौन है? तो अजय सिंह है।
मुक्केबाजी का कौन है? तो अजय सिंह है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOA का। पीटी उषा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है एशिया ओलंपिक परिसंघ का कौन है? तो खेल तलाल है, शेख तलाल है। किसका? एशिया ओलंपिक परिसंघ का कौन है? तो शेख तलाल है। आगे चलते हैं, अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन टीम संघ का कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। बैडमिंटन BAI का कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। आगे चलते हैं, भारतीय भारोत्तोलक महासंघ IWF का कौन है? तो सहदेव यादव है। सहदेव यादव है भारोत्तोलक का। आगे चलते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति का IPC का कौन है? तो दीपा मलिक है। दीपा मलिक है अध्यक्ष। आगे चलते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, दिया गया है बीमा संस्थानों के प्रमुख। बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष भारतीय बीमा नियम विकास प्राधिकरण IRDA का कौन है अभी अध्यक्ष? तो यहाँ पे देखिएगा, देवाशीष पांडा है। देवाशीष पांडा है। आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अंतर जीवन बीमा लिमिटेड LIC का कौन है? तो सिद्धार्थ मोहनार्थ है। सिद्धार्थ कौन है? मोहनार्थ है। सिद्धार्थ मोहंती है। सिद्धार्थ मोहंती है। किसका? LIC का। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कौन है? तो ESIC का राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार है। आगे चलते हैं, CMD भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड GIC का कौन है? तो देवेंद्र श्रीवास्तव है। देवेंद्र श्रीवास्तव है। CEMD न्यूजीलैंड एश्योरेंस कंपनी का कौन है? तो नीरजा कपूर है। CEO न्यू न्यू इंडिया इंश्योरेंस का कौन है? तो नीरजा कपूर है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रथम निदेशक भारतीय जीमा लिमिटेड LIC का कौन है? प्रथम निदेशक तो R.D.O.I. स्वामी है। R.D.O.I. स्वामी है। किसका? तो प्रथम निदेशक LIC का। आगे चलते हैं कि निदेशक यूनाइटेड इंडिया ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी है। सत्यजीत त्रिपाठी है। किसका? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। आगे चलते हैं, CEO नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL का कौन है? तो सुचिता गुप्ता है। सुचिता गुप्ता है। आगे चलते हैं, MD एवं CEO SBI लाइफ का किस कौन है? तो अमिताभ झिंगरन है। अमिताभ झिंगरन है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के संगठन के प्रमुख। आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के संगठन के समूह कौन है? तो देखिए, महासचिव फिक्की। फिक्की का महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक है। शैलेश पाठक है फिक्की का। अध्यक्ष कौन है फिक्की का? तो शुभ्रकांत पांडा है। शुभ्रकांत पांडा किसका है अध्यक्ष? तो फिक्की का है अध्यक्ष। अध्यक्ष एसोचैम। अध्यक्ष एसोचैम का कौन है अध्यक्ष? तो यहाँ पे अजय सिंह है, एसोचैम का अध्यक्ष है। महासचिव एसोचैम का कौन है महासचिव है? तो यहाँ पे देखिए, दीपक सूद हैं जो कि महासचिव हैं। आगे चलते हैं, भारतीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII का कौन है? तो आर दिनेश है। आर दिनेश किसका है? तो अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ का है अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इफको, इफको का अध्यक्ष कौन है? तो इफको का अध्यक्ष हो गया, यहाँ पे देखिएगा, दिलीप महान संघानी है। दिलीप संघानी है। किसका? इफको का अध्यक्ष। इफको कहने का मतलब इफको हो गया। अब देखिएगा, अध्यक्ष नसकॉम, नसकॉम का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा, नसकॉम का अध्यक्ष यहाँ पे दिलीप राजेंद्र नरियार हैं। राजेश नरियार हैं। राजेश नरियार है। किसका? नसकॉम का। आगे चलते हैं, CEO बाबा आमटे स्कॉट एक्सचेंज SBAC का कौन है? तो सुंदर राममूर्ति हैं। आगे चलते हैं,
अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के कौन है? तो लियो पूरी हैं, लियो पूरी हैं। आगे चलते हैं, सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। आशीष कुमार चौहान किसका है? तो एनएसई का है। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक चेंज एनएसई का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। यहाँ पे देखिए कि अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक चेंज का कौन है? तो एस एस मुद्रा है, एस एस मुद्रा है बॉम्बे स्टॉक चेंज का। तो ये भी आए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं कि बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन है, इसके बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे केंद्रीय बैंक गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो शशिकांत दास 25वां है गवर्नर, गवर्नर शशिकांत दास आरबीआई का है, पर भी 25वां है। उप गवर्नर रिजर्व बैंक का कौन है? तो स्वामीनाथन जन कीरमन, स्वामीनाथन जन कीरमन है। आगे चलते हैं, टी रविशंकर, एस राजेश्वरावन, माइकल देवेंद्र पात्रा हैं। आगे चलते हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का कौन है? तो सुधा बाल कृष्णन है, सुधा बाल कृष्णन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए सार्वजनिक बैंक के प्रमुख एमडी और सीईओ कौन है? तो देखिए यहाँ पढ़िए कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है। भारतीय स्टेट बैंक का कौन है अध्यक्ष? तो दिनेश कुमार खारा है। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती है, कामेश्वर राव कोदावंती है जो कि सीएफओ का अध्यक्ष। भारतीय ट्रस्ट बैंक प्रबंधक स्वामीनाथन जाकिर रमन है। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक निदेशक कौन है? तो स्वामीनाथन जाकिर रमन है। आगे चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी कौन है? तो देवेंद्र चंद है, देवेंद्र चंद है किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का। आगे चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का एमडी कौन है? तो रजनीश कर्नाटक के हैं, कर्नाटक है रजनीश कर्नाटक किसका है? तो एमडी सीईओ है बैंक ऑफ इंडिया का। आगे चलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कौन है? तो ए एस राजीव है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। केनरा बैंक का कौन है? तो के सत्यनारायण राजू है, के सत्यनारायण राजू है। आगे चलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव जो कि हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ हैं। आगे चलते हैं, इंडियन बैंक का कौन है? तो शांतिलाल जैन है, शांतिलाल जैन है जो कि इंडियन बैंक का। आगे चलते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी सीईओ कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। इंडियन ओवरसीज बैंक का कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक का कौन है? तो अतुल कुमार गोयल है, अतुल कुमार गोयल है। आगे चलते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक का कौन है? स्वरूप कुमार साहा है, स्वरूप कुमार साहा है पंजाब एवं सिंध बैंक का। आगे चलते हैं, यूको बैंक का एमडी कौन है? तो अश्विनी कुमार है यूको बैंक का। आगे चलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी कौन है? तो ए मली मेखाई मेखलाई है। देखिए यहाँ पे लिखा है नोट में, यहाँ पे लिखा है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक का, 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में विलय के बाद वर्तमान भारत सार्वजनिक बैंक क्षेत्र जो हो गया वो 12 हो गई है। 12 को विलय होने के बाद बचा हुआ इस इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में हुआ, बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, और ओरिस बैंक का हो गया ऑफ कॉमर्स, और यूनाइटेड बैंक का हो गया इंडियन इंडिया का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। आगे चलते हैं, सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हो गया? केनरा बैंक में हो गया। विजयपा बैंक का किस में हो गया? वो हो गया विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसी तरह से ये हो करंट अफेयर। तो चलिए आगे मिलते हैं हिस्ट्री में, तब तक के लिए न्यू स्टूडेंट हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भी